45 rupees by the university. This coverage allotted to the my students is of exposure, training. That is, there are assembly comments on the whole day. Are you involved in any program at the district level? No. Please? No, that's an issue. Between senior age. अली अहमद खान है. वुलर लेक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का दूसरा एडिशन आज शुरू हुआ है. पहला पिछले साल हुआ था शेरवानी हॉल में और एक दिन का था, आज ये तीन दिन का है और आज शुरू हुआ है. मुझे बहुत खुशी है कि माजिद इम्तियाज़ इसको बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बारामूला जैसे टाउन में एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है. और इससे क्या होता है कि यहाँ के लोकल जो फिल्म मेकर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है फिल्में दिखाने का और यहाँ के यूथ या जनरल आवाम को बाहर की फिल्में, चाहे वो रेस्ट ऑफ इंडिया हो या इंटरनेशनल लेवल की फिल्में हो, वो देखने का मौका मिलता है. माजिद इम्तियाज़ एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ लोलेक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल. इसका पहला एडिशन हमने लास्ट ईयर किया 24 मई को शेरवानी हॉल में. फर्स्ट एडिशन था तो ज़्यादा क्रेज़ भी नहीं है यहाँ पे फिल्म्स का एक्चुअली, और ज़्यादा ऑडियंस भी हमें नहीं मिली थी फ्रैंकली. लेकिन सेकेंड एडिशन में माशाल्लाह आप लोगों ने खुद देखा, वी हैड हाउसफुल ऑन द फर्स्ट डे. और दो दिन फेस्टिवल कंटिन्यू रहेगा, कल भी और लास्ट डे वी विल हैव ऑल द चीफ गेस्ट है. लास्ट डे हमारा जो है इसका अवार्ड फंक्शन है, सेरेमनी है, जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो लास्ट डे को होगा. और इस फेस्टिवल को करने का मकसद सिर्फ ये है, लेट्स हाईलाइट द सोशल इश्यूज़ फ्रॉम अराउंड द ग्लोब. इसमें हमारी थीम्स हैं, चाइल्ड राइट्स है, वुमेन एम्पावरमेंट है, ह्यूमन राइट्स है, एनवायरनमेंट है, कश्मीर की फिल्में हैं, कश्मीर की थीम्स हैं इसमें, और कई सारे फिल्म मेकर्स और डेलीगेट्स भी हमें आए हैं. हमारी मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस जो है वो स्टूडेंट्स ही हैं. ये फेस्टिवल बेसिकली हम कर ही रहे हैं इसी एज ग्रुप के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उसी एज ग्रुप के लिए. देखिए, सबका अपना अपना एक सोर्स होता है. हम लोग फिल्म मेकर्स हैं तो हम लोग फिल्म के थ्रू ही अपना इशू हाईलाइट करेंगे. जैसे आप मीडिया पर्सन्स हैं तो आप स्टोरीज़ के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू इशूज़ हाईलाइट करते हैं. ये हमारा मीडियम है तो हम इसी के थ्रू चाहते हैं कि इशूज़ थोड़े हाईलाइट हों. और जो विजुअल मीडियम है मतलब फिल्म का, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं लोग इसके साथ. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वही हमारी ऑडियंस है. और हमने कई और गेस्ट को भी बुलाया है श्रीनगर से, अपार्ट फ्रॉम बारामूला, और बाकी और भी हैं.